क्या भैया नोट गिनने का प्रोग्राम चल रहा है? कितने जमा हो गए? कुछ नहीं, दिन रात मेहनत करने के बाद पेट काट काट कर पैसा जमा करने के बावजूद सिर्फ 900 रुपए जमा कर पाया। समझ में नहीं आता यार मेरा क्या होगा। भैया ये बंबई शहर है, इसमें इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत ना हारू तो क्या करूं? दिन का 50 और 100 रुपया कमाने वाला आदमी साहब जी का लाखों रुपए का कर्जा कैसे उतार सकता है? जहां नीयत अच्छी होती है ना वहां सब कुछ हो सकता है। नहीं यार एयरपोर्ट, पैसा कमाने के लिए आदमी को चालाक चतुर और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मैं ठहरा अनपढ़ गवार और मूर्ख। मैं क्या कर सकता हूं यार? सब ठीक हो जाएगा भैया, वो ऊपर बैठा है ना, सब ठीक कर देगा वो। भगवान इस लायक बना दे मुझे कि मैं अपने साहब जी के पुराने दिन वापस ला सकूं। तू हंसा? सॉरी सर। व्हाट द हेल सॉरी? क्या है साहब, अभी आप इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया क्या? तेरी समझ में आया? हाँ। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उधर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं सब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब, आप बोलते तो बोल के बताता हूँ। जल्द देखता हूँ तुझे। हाँ मैं मुजरिम हूँ, जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा यह विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता, कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा भला नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपने जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं जिंदगी में दो बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज जब मेरे दोस्त को कामयाबी मिली है। नहीं भाभी मां, नहीं भाभी मां, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। भाभी मां, क्या हम तुमसे इतनी दूर इसलिए गए थे कि तुम हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाओ? क्या हम शहर जाकर दिन रात किसलिए काम करते रहे कि जब हम तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम हमसे बात भी ना करो? ये देखो भाभी मां, ये देखो ये कितनी ढेर सारी साड़ियां लेकर आए हम तुम्हारे लिए। ये देखो, ये गुलाबी, ये काली, ये लाल, ये देखो मगर हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेके नहीं आए भाभी मां। हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी मां। कैडेट कृष्णा, कृष्णा ए बच्चे डोंट वीप। कृष्णा, हे यू हैव डन अ गुड जॉब बेटा, गुड जॉब बेटा।